केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। वेस्ट इंडीज से 2006 के बाद से एक भी वनडे सीरीज नहीं हारी। भारतीय टीम ने बारबाडोस में दूसरे वनडे में पराजय का सामना किया, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम दिया गया था। 6 विकेट से मिली हार के बाद टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने कहा था कि भारतीय टीम अगले महीने होने वाले एशिया कप और फिर विश्व कप को मद्देनजर रखते हुए बहुत तस्वीर देखी जा रही है, जिसमें देखना है कि अब अहम मुकाबलों में युवा खिलाड़ी कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं। 50-50 ओवरों के प्रारूप के संघर्ष करते दिख रहे सूर्य कुमार यादव लंबी पारी खेलकर मैच जीतने पर फोकस करेंगे। वहीं कई बार वापसी करने के बावजूद प्रभावित नहीं कर सके सैमसन के पास भी वह सुनहरा मौका है। वह दूसरे वनडे की ही तीसरी नंबर पर उतर सकते हैं। सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने प्रभावित किया है, लेकिन शुभमन गिल अभी तक बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। हार्दिक पांड्या ने पहले 2 मैचों में गेंदबाजी की शुरुआत की, लेकिन बल्ले से नाकाम रहे। 5 मैचों की T20 सीरीज से पहले वह उपयोगी पारी खेलना चाहेंगे। गेंदबाजी में तेज गेंदबाज उमरान मलिक अभी तक विकेट नहीं ले सके। उनकी रफ्तार भारत के लिए एक्स फैक्टर है, लेकिन उन्होंने अपनी तकनीक और सटीकता पर काम करना होगा। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे केलांचल टाइम्स के साथ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।